हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए सेलो की तरफ से क्लीनो इजी क्लीन 360 डिग्री स्पिन मॉप का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। क्लीनो स्पिन मॉप की मदद से ड्राई या वेट सरफेस को क्लीन किया जा सकता है, साथ ही साथ सोफे के नीचे या और भी जो डिफिकल्ट एरिया घर में होते हैं उन्हें भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ग्रीस गिर गई है या डिफिकल्ट स्टेन आ गए फ्लोर पे तो उसे भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है। इसके एक्सटेंडेबल हैंडल की मदद से आसानी से खड़े खड़े ही पूरे घर की क्लीनिंग की जा सकती है और झुकने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको कार क्लीन करनी है, रूफ क्लीन करनी है या फिर विंडो पैंस को भी क्लीन करना है तो आसानी से इसकी मदद से आप क्लीन कर सकते हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं। तो बॉक्स के अंदर से आपको इसका वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक मॉप प्लेट मिल जाएगी, साथ ही साथ दो मॉप रिफिल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्विन बकेट मिलेगा और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के दो एक्सटेंशन हैंडल मिल जाएंगे। इसकी असेंबलिंग में सबसे पहले इन दो स्टेनलेस स्टील के मॉप हैंडल एक्सटेंशन पाइप्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से हमें सिर्फ इसमें क्लॉकवाइज घुमा के इसे स्क्रू करना है और अच्छी तरह से स्क्रू करने के बाद ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम मॉप प्लेट को हैंडल से कनेक्ट करने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब हम हैंडल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस लीवर को ओपन करके एक्सपेंडेबल हैंडल को भी ओपन किया जा सकता है। इस तरह से हमें एक फुल लेंथ मॉप हैंडल मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें बेंड होने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह के सरफेस की क्लीनिंग आसानी से हम कर सकते हैं। और अगर पोल की हाइट को छोटा करना है तो एक्सटेंशन ट्यूब को अंदर करके लीवर को क्लॉकवाइज घुमा दें। अब मॉप प्लेट को हैंडल के साथ जोड़ने के लिए इस लीवर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ओपन कर लेंगे और लीवर को पोल के एक सिरे में अच्छे से अंदर इंसर्ट कर देंगे। और अब हम मॉप प्लेट के साथ पोल को कनेक्ट करेंगे और लीवर को स्क्रू कर देंगे। क्लॉकवाइज घुमा के हम लीवर को अच्छे तरीके से स्क्रू कर देंगे, टाइट कर देंगे, जिससे कि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मॉप हैंडल है और मॉप हेड है वो आपस में जुड़ चुका है और 45 डिग्रीज के एंगल पे हम इसको बेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मॉप हेड 360 डिग्री एंगल में रोटेट हो सकता है, तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एरिया में आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। अब इस ट्विन बकेट के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक जहाँ पर हम वाटर फिल करते हैं और दूसरा सेक्शन जहाँ पर हम स्पिन करते हैं मॉप को, एक्सेस जो वाटर होता है उसको स्क्वीज कर देते हैं। इसमें एक हैंडल भी दिया होता है जिसकी मदद से हम इसे होल्ड कर सकते हैं। क्लीनो स्पिन मॉप को यूज करने से पहले हम इसकी हाइट को भी अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन ट्यूब को हम बाहर निकाल सकते हैं लीवर को अनस्क्रू करके, और अगर हमें हाइट को छोटा करना है तो फिर एक्सटेंशन ट्यूब को अंदर करके लीवर को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपनी जगह पर ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके मॉप हेड या रिफिल को चेंज करना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप उसे पुल करके निकाल सकते हैं आसानी से, और नए रिफिल को आप पहले नीचे की तरफ फिक्स करें और फिर ऊपर की तरफ पुश कर दें तो ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो रिफिल को चेंज करना भी बहुत ही आसान है। इस मॉप हेड को 45 डिग्री के एंगल पे बेंड करके भी यूज किया जा सकता है। अब इसे यूज करने का तरीका देख लेते हैं। हमने वाटर सेक्शन में पानी फिल कर दिया है और दूसरी तरफ स्पिन का सेक्शन है, तो सबसे पहले वाटर सेक्शन में हम मॉप हेड को सोक कर लेंगे अच्छे से। और मॉप हेड को सोक करने के पहले जो एक्सटेंशन ट्यूब है उसको हम ओपन कर लेंगे और उसके लीवर को ओपन ही रहने देंगे। अब अच्छे से हम सोक कर लेंगे मॉप हेड को। इसके बाद
जो एक्सेस वाटर ड्रिप हो रहा है इसको हम अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो स्पिन सेक्शन में हम इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। हमें सिर्फ 3 बार प्रेस करना है और 3 बार में ही अच्छे से हमारा जो मॉप हेड है वो ड्राई हो जाएगा। अब एक भी एक्सेस वाटर इसमें नहीं है तो हम अच्छे तरीके से इसे यूज करके क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग के पहले एक्सटेंशन ट्यूब के लीवर को लॉक करना ना भूलें। इसको हम इस तरीके से लॉक कर देते हैं और अब हम आसानी से क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। इसे यूज करने के बाद क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। इस गंदे मॉप हेड को हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। लीवर को अनलॉक करने के बाद इस तरीके से पानी में हम इसे डुबाएं अच्छे से और इसके बाद इसे ड्राई कर लें। तो इस तरीके से हमारा जो मॉप है आसानी से अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं।